कभी सोचा नहीं था न्यूयॉर्क में आके अमेरिका में आके हमारे साथ ऐसा होगा। हम जिस घर में रह रहे थे हमें वहाँ से निकाल दिया गया। कह रहा हूँ हम आए हैं जैक और फरीदा के साथ बाहर आज, एंड आज आए हम कुछ स्पेशल एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ मैं भी कभी आया नहीं हूँ। आज तो रौनक अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इतना नज़ारे अच्छे है। तो थोड़ा सा वाइब पहले सेट कर लेते। तो ये रहा कोनी आइलैंड। वैसे काफी राइड दिख रहे मुझे जिनमें मैं बैठता नहीं हूँ। शायद आज रौनेदा बैठेगी मुझे लग रहा है। अगर जैक का पेट खाली है तो सबका कुछ नहीं होने वाला है। जैक का पेट भर गया तो सब सॉर्टेड। हाँ, आतामाजी सटक लिया सीने, मेरा भी वही है। कि रौनेदा को जाना था बाथरूम, और भाई साहब जो काउंटर पे खड़े उन्होंने रोक दिया सीधा। बोला कि जब तक आप बिल नहीं करोगे, पैसे नहीं दोगे, खाना खरीदोगे नहीं, आप बाथरूम यूज नहीं कर सकते। आर यू रेडी टू गो? You want to go to the park? Yes. Are you ready? No drinks. क्या हुआ? आके बताते हैं। आके? ओ भाई, को कोड वोड डाल के जाना पड़ता है अंदर। लो, इतना स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी का भी देखा है बाथरूम टॉयलेट जाने के लिए। ये भी कुछ नया आइटम है। अरे उसको मैं फरी ने बोला बाथरूम में जा, फिर बोलते हैं कुछ खरीदो। मैं बोली अरे मेरी बहन खड़ी है कार्ड, वो लोग देख रहे हैं मेरे हस्बैंड और मेरी बहन। नहीं, पहले पूरा स्वाइप हो जाना चाहिए। मैं बताता हूँ इधर क्या है। सब आते होंगे ना इसी टाइप का। इधर वो सस्ते नशे करने के लिए भी यहाँ आते हैं लोग। आपके अंदर पहले बैठते थे इसीलिए। ये मस्त आइस डालो और अपना ड्रिंक लो। राइड में बैठने वाला वैसे नहीं? मैं तो नहीं बैठने वाला, नहीं तो सारा बुरीटो फुरीटो सब बाहर आने वाला है। तुम बैठने वाले राइड में? छोटा मोटा मैं बैठ सकते हैं। इधर ये वाला राइड लिया था मैंने। राइड लेने के बाद 6 मंथ नेक्स्ट एवरी डे हैरेक। कौन सा ये वाला? बहुत तेरी रौनक बढ़िया है। अब मुझे समझ में आया ये आइलैंड का नाम कोनी आइलैंड क्यों है। तो सीन यहाँ, यहाँ नज़ारे इतने अच्छे अच्छे, मतलब क्या बताओ भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। बट जो बीवी के साथ आता है उसकी कोनिया बीवी देती होगी, कोनी मार के बोलते चल सीधा देख, इसलिए इट इज कॉल्ड कोनी आइलैंड। इसमें आज मैं रौनिता को बैठा कर ही रहूंगा। रौनिता को मैं 40 दूंगा। अगर रौनिता बैठेगी उस स्लिंग शॉट में तो मैं उसको दूंगा $500 गिफ्ट। कम से कम 1 मिलियन। 1 मिलियन बेबी, उतने में तो Show me your excitement. Yeah. Yeah, yeah. तो बच्चों का शुरू हो चुका है राइड, और हमने जो बाहर कार्ड दिया था यहाँ पे चला नहीं, यहाँ पे दूसरा कोई कार्ड बनाना पड़ा है। ओ लूना पार्क वो है जो बड़े राइड्स हैं। हाँ, बड़े यहाँ पे कोई डीनो टिकट्स लगते हैं, वहाँ पे कोई लूना टिकट है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। बट लूना डीनो जो भी हो सब पे घूमेंगे। What happened? Climb where? What you want? Ice cream? It's not ice cream. Ice cream नहीं baby है। Yes, you want to go in this ride? Whoa, look at this. Yes, you'll sit in this? Yeah. इसमें बैठोगे? और इसमें बैठने? तुम जा रहे हो क्या अलग के साथ इसमें? हाँ हाँ हाँ। जा सकते हो? लो, लो पकड़ो ना। सुनो, चाय पत्ती लेके जाओ घर से। अपन सॉसर में जा रहे हैं, तो चाय तो बनती है भाई। अच्छा, अरे वो जीतना पड़ता है बेटा, वो ऐसे उठा के नहीं ले जा सकते। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ लगाना पड़ता है। तुमको मालूम है वो औरत मायामी से थी? हाँ। बोलती है दो खूबसूरत लड़कियाँ औरतें कौन है आपके साथ, कहाँ से हो आप लोग? कुछ भी दोस्तों, हमारी कसम। मैंने कहा कि हम इंडिया से, बोलते बहुत खूबसूरत है। तो बोले आप कहाँ से? बोले मायामी से। तो मैं बोला मेरा बहुत शौक था मायामी जाने का। बोलती बिल्कुल मत जाना, बहुत गर्मी है, ये साल तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई है। इतने खतरनाक राइड्स है कोनी आइलैंड में यार, मतलब मैं तो किसी भी राइड पे नहीं बैठता। इनफैक्ट आप देखोगे जिस पे अलाया बैठी मैं उस पे भी नहीं बैठ सकता भाई, मुझे चक्कर आता है। लेकिन हिम्मत देता हूँ उन लोगों की जो ये राइड पे बैठ रहे हैं। देखो हो
जाओगे तुम इसमें? अब से ना हो पाएगा भैया, देख कर ही चक्कर आ गया मुझे। अला यू वांट टू गो इन दिस? नो यू डोंट वांट टू गो? बोलती नहीं मुझे नहीं जाना। विल गो वांट टू गो? यू वांट टू गो दिस? अला भी कर रही है। Play in the water. जा पानी में खेलो। तो ये बढ़िया है, नारियल का पेड़ है लेकिन तेरा पानी है और बच्चे वो पानी पी रहे, भले ही वो पानी समुंदर का है नमक वाले। तो मैं और जैक आ चढ़ पड़े इन चट्टानों पर समुंदर के बीच, क्योंकि जैक ने बोला यहाँ से एक अच्छा थंबनेल मिलेगा। तो मैं बोला एक थंबनेल क्लिक कर लेते और फिर थोड़ा सा निकलते पीछे वापस। तो ये सारे पुलिस की गाड़ी आना शुरू हो गई है और हॉर्न बजा बजा के सबको बोल रहे कि भैया आ जाओ समुंदर के बाहर, क्योंकि टाइम हो गया है। लेकिन पब्लिक ढीठ, पब्लिक को बाहर नहीं आना पानी से। तो ये भाई भी वैसे ही भाग रहे हैं जैसे अपने यहाँ म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है और सारे ठेले वाले भागना शुरू होते हैं। तो यहाँ भी पुलिस की गाड़ी आई तो आधे ठेले वाले भागना शुरू हो गए। तो यहाँ कुछ बेचने के लिए आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। आप बेच सकते हो, ठेला लगा सकते हो अपना, लेकिन उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस और पूरे साल का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कुछ लोग ऐसे आते लगा देते फिर भागते। भले आम का सीजन ख़त्म हो गया हो लेकिन यहाँ पर आके आम तो मैक्सिकन मैंगो। मेरी हालत खराब हो गई, चलने की भी हिम्मत नहीं है। पैसेज में घुसते बढ़िया लग गया भाई, एसी की हवा लगती। तो यूजुअली क्या होता है, जो बिल्डिंग होती है नीचे आते सब लोग लॉन्ड्री करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं होते घर पे एंड लॉन्ड्री सिस्टम बिल्डिंग के नीचे होता है बेसिकली। तो नीचे आते सब फ्लैट से अपने घर से लॉन्ड्री करने के लिए। तो खुर्रम भाई के घर पे हम आ चुके हैं। क्या व्यू है, क्या व्यू है यार। ओ वाओ, तो ये रहा पूरा कोनी आइलैंड। अगर आपने कभी पहले व्यू नहीं देखा है यहाँ से तो ये रहा, ऐसा दिखता है कोनी आइलैंड यहाँ से। ये तो बढ़िया व्यू है यार जैक। इतना हम चल के आए, मतलब पूरा कितना दूर और चल के जाना है? स्टेशन यही है नीचे, ये रेलवे स्टेशन नीचे। ये पक्का पक्का पक्का, फिर नहीं कहना कि मतलब और आधा एक माइल चलना है। ये बॉम्बे के लोग चलते ही नहीं है भाई। आप इसलिए यहाँ कुछ पर्पस से ऐसे शिफ्ट हुए, काम है इसलिए शिफ्ट हुए कि क्लोज टू मैनहट्टन में काम करता हूँ सामने, ये ट्रेन चली जा रही है। ट्रेन देखो, तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी कि जैसे हम घर पहुंच रहे थे अचानक से मेरी बीवी जो है रोनिता, आपको मालूम है वो आज के लिस्ट में बहुत चल रही है, और वो बेहोश हो गई और हम सबको उसको उठा लगे लाला बड़ा ये पड़ी हुई है। तो इसलिए खुर्रम भाई ने बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग खाए बिना जा नहीं सकते हो। तो खुर्रम भाई गए नीचे जैक के साथ, थोड़ा सा पेट पूजा के लिए थोड़े कबाब शबाब थोड़े रोटियां शोटियां लाने गए। अब आए न्यूयॉर्क तो मतलब खाएंगे थोड़ा सा। सेट हो गया पूरा सीन्स। घुगनी काबुली चने भी बोलते हैं इनको, नहीं ये घुगनी है। कबाब शबाब है, पालक चिकन है, सैलेड है और थोड़े नान रोटी है। तो भाई के घर से हम खाना खा के निकल तो चुके हैं एंड सबकी हालत ऐसी है कि सब लाम लेट हो चुके हैं। ये देखो ये अपने जैक भाई बाकी तो चलता रहेगा, मैं फिलहाल ट्रेन में हूँ, बैलेंस थोड़ा आउट है। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, पहली बार है सब्सक्राइब करना एंड बाकी तो आपको पता है। तालियां बज गई, देख रहे हो, बजा लो आप लोग भी।